आज 20 फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। 7 दिन में 90 विमानों में बम की धमकियां मिल चुकी है। केंद्र ने DGCA प्रमुख को तत्काल रूप से हटा दिया है। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, 20 से ज्यादा फ्लाइट्स को रविवार यानी आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और खबरों के मुताबिक इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की 6-6 विमान इस धमकी में शामिल हैं। एक दिन पहले शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी। इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटों परेशान हुए थे। पिछले एक हफ्ते में 90 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। बाद में ये सब झूठी साबित हुई। इन धमकियों की वजह से अब तक 200 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। वही केंद्र ने शनिवार को DGCA चीफ विक्रम देव दत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया है।